ये क्या बता रहे बाबू, प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज है ना, प्रॉपर्टीज बाबू के साथ ट्रू सॉल्यूशन का, कोलाइड्स का, सस्पेंशन का, क्या क्या प्रॉपर्टीज होता था, पांच छह को प्रॉपर्टी पढ़ना है। क्या पढ़ना बाबू, पांच छह को प्रॉपर्टी पढ़ना। तो जो पहला नेचर है, नेचर कहने का मतलब बाबू उसका प्रकृति कैसा है ना, जैसे आप लोग का नेचर कैसे नहीं पढ़ाई करना, शैतानी करना, यही ना नेचर है बाबू। पढ़ने वाला तो नेचर सब तो है नहीं, है ना। तो उसी तरह से बाबू जो होमोजेनियस मिक्सचर है, होमोजेनियस मिक्सचर है बाबू, होमोजेनियस मिक्सचर है, उसका प्रॉपर्टीज है। तो जो ट्रू सोल्यूशन होता है, जो ट्रू सोल्यूशन होता है, जो ट्रू सोल्यूशन है सर, उसका प्रॉपर्टी क्या बाबू, ये होमोजेनियस इन नेचर होता है। नमक सोल्यूशन बनाएगा तो क्या होता है, होमोजेनियस होता है। होमोजेनियस मतलब कहने का बाबू जो सोल्यूशन बनेगा वहां पे बाबू, हर एक जगह बाबू थ्रू आउट द सोल्यूशन बाबू, जो भी बाबू सॉल्यूट पार्टिकल होगा क्या होगा, इनफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। क्या होगा, इनफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। और कोलाइड्स और सस्पेंशन का जो नेचर वो कैसा है, हेटरोजीनियस है। दोनों का नेचर कैसा, वो हेटरोजीनियस है। होमोजीनियस हेटरोजीनियस हम पहले आपको क्या किए बता दिए, मतलब वो डिफाइन करवा चुके हैं, समझा चुके हैं, अच्छे से समझा चुके हैं ना। तो आगे जो भी टर्म है वो पीछे वाला रिलेट करके आता है, लिंक करके आता है, समझे, पीछे वाला क्या आता है, लिंक करके आता है ना। तो नेचर कैसा हो गया बाबू, थ्रू सोल्यूशन का होमोजीनियस हो गया, कोलाइड्स का कैसा हो गया सर, हेटरोजीनियस हो गया। सस्पेंशन का कैसा हो गया बाबू, हेटरोजीनियस हो गया। सस्पेंशन का कैसा हो गया, हेटरोजीनियस हो गया, है ना। नेक्स्ट बाबू क्या कहता है, फिल्टरबिलिटी। फिल्टरबिलिटी कहने का मतलब बाबू क्या होता है, फिल्टरबिलिटी कहने का मतलब क्या होता है सिद्धांत, एक बाबू ये आता है, ठीक है ना बाबू, एक बाबू आता है फिल्टर पेपर आता है, फिल्टर पेपर आता है ना। अरे मान लो बाबू सिंपल सा पेपर होता है ना, उसी पेपर बाबू बहुत थीन होगा, बहुत थीन होगा, क्या होगा सैतान, बहुत थीन होगा। जैसे मान लो ये क्या, वो फिल्टर पेपर मान लो इसे एज्यूम करो ना बाबू, है ना। तो क्या होगा, मान लो फिल्टर पेपर बहुत थीन रहेगा, बहुत थीन रहेगा, है ना बाबू, ठीक है। अब बहुत थीन रहेगा बहुत, अब इस पे क्या करना बाबू, इस पे क्या करना, तीनों सोल्यूशन पास करना है ना बाबू, ठीक है, फिल्टर पेपर से करो बाबू, है ना, इसको अंदर करना बाबू, बहुत एकदम थीन रहेगा, बहुत थीन रहेगा, बहुत पतला एकदम, है ना बाबू। तो जब बाबू ट्रू सोल्यूशन को पास करो बाबू, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा ट्रू सोल्यूशन को बाबू, इसमें फिल्टर पेपर से, फिल्टर बहुत थीन रहता है बाबू, एकदम ट्रांसपेरेंट इंजन आपको दिखेगा, है ना, ठीक है। तो जब फिल्टर पेपर से बाबू ट्रू सोल्यूशन को पास करोगे तो पूरे पास हो जाएगा, पूरे पास हो जाएगा। नहीं समझ में आता ना, तो बाबू कॉटन का कपड़ा ले लो बाबू, सूती वाला कपड़ा ले लो, तो उसी को समझो क्या है आपका, ये बाबू फिल्टर पेपर है। तो जब कपड़े से बाबू पास, यहाँ से बाबू ट्रू सोल्यूशन, नमक का घोल के सोल्यूशन से बाबू, नमक का घोल के सोल्यूशन को अगर बाबू यहाँ पे कपड़ा रख दो, ठीक है ना, उसको पास करवाओ, पास करवाओ, तो क्या होगा बाबू, एकदम पास हो जाएगा, क्या हो जाएगा शैतान, पास हो जाएगा, पास हो जाएगा। अरे शैतान आप नहीं, फिल्टर पेपर ग्लास में तो दूध और पानी, मैंने ज्यूम नहीं कर सकती है, ठीक है ना, खाली फेंकवाएगी पानी। हम ये क्या कह रहे हैं बाबू, आप हम जो समझा रहे, समझे ना, मान लो बाबू फिल्टर पेपर है, ठीक है। अब यहाँ से बाबू इसे ऊपर से ट्रू सॉल्यूशन डालो, है ना, ट्रू सॉल्यूशन डालो। तो ट्रू सॉल्यूशन कहने का मतलब क्या बाबू, ट्रू सॉल्यूशन कहने का मतलब क्या, शैतान की नमक पानी का घोल डालो। तो जैसे डालो बाबू, तो ये क्या हो जाएगा, टोटल का टोटल वाटर क्या हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा शैतान, पास हो जाएगा, पास हो जाएगा, पास हो जाएगा, है ना बाबू, पास हो जाएगा, ठीक है ना बाबू, ठीक है, क्या हो जाएगा, पास आ जाएगा, है ना, पास हो जाएगा, है ना। तो वही कर ट्रू सॉल्यूशन क्या होगा, पासेस थ्रू दबाओ फिल्टर पेपर से, क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, पास हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बाबू कोलाइड्स, कोलाइड्स बाबू क्या होंगे बाबू, कोलाइड्स जो भी रहेंगे, ठीक है ना, जैसे ये क्या है शैतान, ये क्या बाबू कोलाइड्स है, ये क्या है शैतान मेरे, कोलाइड्स है ना, ये कोलाइड्स है बाबू, है ना, ये कोलाइड्स है, ठीक है, ये कोलाइड्स है ना शैतान, ठीक है बाबू। इसको मान लो यही आपका क्या फिल्टर पेपर है, क्या शैतान, फिल्टर पेपर, यही क्या बाबू, फिल्टर पेपर है। थोड़ा सा नीचे दिखाई देगा तो ना, बहुत मेहनत करवाते हो जी, ठीक है, ठीक है, ये फिल्टर पेपर मान लो बाबू, है ना। अब इसको बाबू देखो, कोलाइड्स को भी पास कराओगे शैतान, कोलाइड्स को भी पास कराओगे तो हो रहा है ना पास बाबू, देखो तो नीचे जा रहा है कि नहीं जा रहा, पास जा रहा है ना बाबू, कोलाइड्स में क्या हो रहा है, पास हो रहा है, कोलाइड्स में क्या हो रहा है शैतान, पास हो रहा है, पास हो रहा है ना। तो कोलाइड्स में क्या होता है बाबू, पास हो जाता है, कोलाइड्स में क्या होता है शैतान, पास हो जाता है ना, पास हो जाता है, कोलाइड्स भी पास होता है ना बाबू, पास होता है, ठीक है। नेक्स्ट बाबू सस्पेंशन, सस्पेंशन को पास करो बाबू, तो सस्पेंशन को अगर बाबू पानी से पास करो तो पानी तो पास हो जाएगा, और जो लिक्विड बाबू सॉलिड पार्ट के लिए बालू है इस पे रह जाएगा, बालू क्या होगा इस पे जमा हो जाएगा, बालू क्या होगा इस पे जमा हो जाएगा, है ना बाबू, बालू इस पे क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा, ठीक है ना, बालू क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। अब फिर से बालू लाइन पूरा तो यूज करवा दिया शैतान, ठीक है। तो समझो कुछ चीज बाबू इमेजिन किया जाता है, कुछ चीज क्या किया जाता है, इमेजिन किया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे कपड़ा रखो, यहाँ से बाबू बालू वाला मिक्सचर तैयार करो, देखना पानी नीचे बैठ जाएगा, पानी आ जाएगा, बालू क्या हो जाएगा, फिल्टर पेपर पे अटक जाएगा, फिल्टर पेपर पे क्या जाएगा, अटक जाएगा। तो वही है बाबू, लिक्विड बाबू पासेस थ्रू द फिल्टर पेपर एंड सस्पेंशन पार्टिकल बाबू, डू नॉट, सस्पेंशन जो पार्टिकल बाबू पास नहीं होगा, सस्पेंशन पार्टिकल पास नहीं होगा, है ना बाबू, पास नहीं होगा। समझ में आया नारायण कि नहीं बाबू, नारायण, ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी बाबू उसका आजकल शैतान शुरू हो गया। नेक्स्ट बाबू पार्टिकल का साइज, पार्टिकल का साइज बाबू, पार्टिकल का साइज, पार्टिकल का साइज कहने का मतलब क्या बाबू, पार्टिकल का साइज कहने का मतलब क्या शैतान, ठीक है ना, पार्टिकल का साइज कहने का मतलब क्या शैतान,
लाना ही पड़ेगा। सतन बालू लाते जी, सुन बहुत तंग करते हो, अब इसे के जी बाल भी रख लेंगे। ठीक है बाबू, पार्टिकल का साइज कहने का मतलब क्या बाबू? ठीक है ना, पार्टिकल का साइज कहने का क्या मतलब है शैतान? देखो मुंह तो अटका लेता, सब लटका लेता, एकदम लगता जैसे समझ ही में नहीं आता, सबका मुंह अटका हुआ है। कौन सा साइंस पढ़ा दे बाबू जो नहीं समझ में आया? खाली पानी मेरा बर्बाद करवाते आप लोग जी। ठीक है देखो शैतान, देखो इसका मैं बाबू क्या करे, मुंह एकदम तुरंत में एकदम मन में एकदम बेचैनी होने लगता है। देखो ये बाबू क्या है इसमें, बाबू आज दो तीन वो गिलास ले आएंगे, ठीक है ना, कांच वाला। इसमें बाबू क्या है, इसमें बाबू डस्ट वाला, डस्ट वाला है, ठीक है ना। तो डस्ट वाला बाबू, तो जैसे पास कराएंगे बाबू, तो देखो आपको क्या हो गया, जो डस्ट पार्टिकल शैतान इस पे जमा नहीं हो गया, इस पे जमा नहीं हो गया बाबू, है ना। तो वही बाबू जो बाबू ये सस्पेंशन होता है उसका जो पार्टिकल है बाबू, पार्टिकल क्या है बाबू, वो नहीं पास हो पाता, फिल्टर पेपर से पास नहीं हो पाते। लिक्विड पास हो गया लेकिन बाबू डस्ट क्या हो गया, पास नहीं हुआ, पास नहीं हुआ, ठीक है ना। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट है साइज ऑफ पार्टिकल। तो बाबू जो ये सोल्यूट बाबू घुलने के बाद नमक, बाबू नमक को पानी में घुलाओगे ना, नमक को पानी में क्या करोगे, घुलाओगे बाबू, तो उसका जो पार्टिकल का साइज होता है, पार्टिकल का जो साइज होता है, इसके डाटा को ध्यान रखना शैतान, ठीक है ना। इसके डाटा को ध्यान रखना है ना बाबू, जो पार्टिकल का साइज होता है, नमक को पानी में घुलाया है ना बाबू, तो उसका जो साइज होगा पार्टिकल का बाबू, वो जो साइज होगा बाबू, साइज होगा क्या होता है बाबू, 1 नैनोमीटर होता है। कितना होता है बाबू, लेस देन 1 नैनोमीटर, मतलब 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है। क्या होता है बाबू, 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है। नैनोमीटर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एनएम से। नैनोमीटर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एनएम से। तो 1 नैनोमीटर से भी क्या होता है बाबू, छोटा होता है। 1 नैनोमीटर से भी जो सॉलिड का पार्टिकल क्या होगा, छोटा होगा, है ना। तब ना बाबू ये आप लोग ओपन आई से देखोगे तो दिखाई नहीं देगा, ओपन आई से देखो तो दिखाई नहीं देगा। तो 1 नैनोमीटर को बाबू जब सेंटीमीटर में बदलोगे, सेंटीमीटर में बदलोगे तो 10^-7 सेंटीमीटर आएगा। इसको सेंटीमीटर में बदलोगे तो 10^-7 सेंटीमीटर आएगा, मीटर में बदलोगे तो 10^-9 मीटर आएगा। तो ये क्या बाबू, ये जो साइज है नमक का, अरे नमक का ट्रू सॉल्यूशन में बाबू, ट्रू सॉल्यूशन का, ट्रू सॉल्यूशन में जो नमक डालोगे तो नमक का पार्टिकल होगा, चीनी डालोगे तो चीनी के पार्टिकल का जो साइज होगा बाबू, ट्रू सॉल्यूशन का बाबू, जो सॉल्यूट डालोगे ना, सॉल्यूट आप नमक डाल सकते हो, सेल चाहे चीनी डाल सकते हो, तो उस पार्टिकल का जो साइज हो ना बाबू, वो क्या होगा, 1 नैनोमीटर से छोटा होगा। नैनोमीटर को जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे, कन्वर्जन ऑफ यूनिट बताएंगे, सारा चीज बताएंगे, तो 10^-7 सेंटीमीटर आएगा। शुगर सबका, हाँ सबका, सबका जो साइज, ट्रू सॉल्यूशन जो भी बनेगा, ट्रू सोल्यूशन बाबू जो भी बनेगा, ठीक है, तो उसमें जो सॉल्यूट पार्टिकल होगा उसका साइज बाबू 1 नैनोमीटर से छोटा होगा, 1 नैनोमीटर से छोटा होगा। अगर 1 नैनोमीटर से साइज बड़ा हो गया तो ट्रू सोल्यूशन कहलाई भी नहीं करेगा, समझो, वो क्या कहलाएगा, ट्रू सोल्यूशन कहलाई भी नहीं करेगा, नहीं कहलाएगा, है ना। तो जो भी बाबू साइज ऑफ पार्टिकल होगा वो लेस देन क्या होगा, 1 नैनोमीटर, उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो 10^-9 सेंटीमीटर, और मीटर में कन्वर्ट करो 10^-9 मीटर होगा, ठीक, 9 मीटर होगा। ये बाबू ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल का, सॉल्यूट आप कुछ डालो, नमक डालो, चीनी डालो, है ना, और जो भी मटेरियल डाला वो भी डालो, है ना। जो कोलाइड्स है बाबू, जो कोलाइड्स है उसमें जो साइज ऑफ पार्टिकल होता है, जैसे ये मेरा बाबू क्या, ये मेरा बाबू क्या, कोलाइड्स है, यहाँ पे नीचे पे क्या, ये सैंड आपको दिखाई दे रहा है ना, ठीक है, कोलाइड्स है। तो इसके जो साइज ऑफ पार्टिकल बाबू, इसका जो साइज ऑफ पार्टिकल जो रेंज करे बाबू कितना, 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में लाइक करेगा, है ना बाबू, 1 से 100 के, इसमें जो साइज का पार्टिकल हो ना, मान लो 1 से 100 नैनोमीटर, एनएम क्या है, नैनोमीटर के बीच लाइक करेगा, है ना, नैनोमीटर के बीच लाइक करेगा, है ना। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करो बाबू, तो 1 नैनोमीटर बाबू 10^-9 मीटर, और 100^-10^-7 हो जाएगा। तो मीटर में ये डाटा हो जाएगा, सेंटीमीटर में बाबू 10^-7 से 10^-5 मीटर हो जाएगा, है ना। ये किसका बाबू, किसका, इसमें अगर आप ये डाल रहे हो, बालू डाल रहे हो या चौक डाल रहे हो, तो उस पार्टिकल का, चौक के जो पार्टिकल घुलने के बाद, घुलने के पहले नहीं, घुलने के बाद जो सॉलिड पार्टिकल है उसका साइज माइक्रोस्कोपिक से नापो, नापा गया, देखा गया एक्सपेरिमेंट करके, तो इसके रेंज में आते हैं। मतलब कोलाइड्स के जो सॉलिड पार्टिकल है उसका साइज इसके रेंज में आता है, 1 से 100 नैनोमीटर के बीच के रेंज में आता है ना बाबू, सस्पेंशन, ठीक है बाबू। तो ये कोलाइड्स नहीं है शैतान, ये कोलाइड्स नहीं है, ये क्या, ये कोलाइड्स है, सस्पेंशन है, कौन बताएगा, बताओ प्रकाश से, ये है क्या चीज, कोलाइड है कि सस्पेंशन है कि ट्रू सॉल्यूशन है, क्या कोलाइड, क्या होगा बाबू, कोलाइड है कि ट्रू सॉल्यूशन है कि सस्पेंशन है, क्या है उसका, जल्दी बताइए, मैं क्या मिक्स किया,
हमको क्या, आपको देखे क्या बाबू, बताए बाबू शिवानी सर, सस्पेंशन है क्या होगा शिवानी सर, नीचे से सस्पेंशन होगा क्या होगा जीवित, जीवित सो रहा है सर, इसमें सैंड मिक्स है ना, सस्पेंशन होगा, हाँ सस्पेंशन, हाँ सस्पेंशन होगा, सस्पेंशन होगा, सस्पेंशन है ना बाबू, ठीक है। अब वो मिल्क मिक्स कर देंगे ना तो वो आपका कोलाइड्स होगा, मिल्क को तो सब फेंकवा दिया शैतान, पूरा कुछ नहीं बचा मेरे पास, ठीक है ना, सब लाए थे सब खत्म, पानी भी नहीं है, ठीक है, ठीक है बाबू। तो इसमें बाबू जो कोलाइड्स के साथ जो पार्टिकल बाबू, वो 100 से 900 नैनोमीटर के बीच में होता है, और जो ये बस सस्पेंशन है इसका जो साइज ऑफ पार्टिकल होता है वो 100 नैनोमीटर से बड़ा होता है, इसमें जो साइज ऑफ पार्टिकल है ना बाबू, इसमें जो साइज ऑफ कोलाइड्स का, कोलाइड्स बोला है ना बाबू, तो इसका जो देखोगे ना बाबू ये क्या होगा, इसका साइज मेजर करके क्या करना, एक्सपेरिमेंट करके बोलता है 100 नैनोमीटर से क्या हो गया, बड़ा हो गया, बड़ा पाएगा। 100 नैनोमीटर को कन्वर्ट करोगे सेंटीमीटर करते 10^-5 सेंटीमीटर, मीटर में 10^-7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर है ना बाबू। तो ये क्या बाबू प्रॉपर्टीज है, अभी तीनों बहुत है ना बाबू, और है अभी, और है, और है, और है, और है, और है। नेक्स्ट बाबू विजिबिलिटी प्रॉपर्टी है ना बाबू, विजिबिलिटी प्रॉपर्टी, विजिबिलिटी प्रॉपर्टी कहने का मतलब क्या बाबू, सॉलिड पार्टिकल बाबू, सॉलिड पार्टिकल, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी फोर नंबर पढ़ाएंगे बाबू विजिबिलिटी, ठीक है, विजिबिलिटी प्रॉपर्टी। तो विजिबिलिटी प्रॉपर्टी बाबू जब ट्रू सॉल्यूशन तैयार करोगे, ट्रू सॉल्यूशन तैयार करोगे तो उसमें नमक का पार्टिकल घुलने के बाद दिखाई नहीं देगा, दिखाई नहीं देगा, दिखाई नहीं देगा है ना बाबू, माइक्रोस्कोपो से दिखाई नहीं देगा, क्या बाबू माइक्रोस्कोप से भी दिखाई नहीं देगा है ना। लेकिन बाबू जो कोलाइड्स बनेंगे, जो कोलाइड्स बनेंगे शैतान दूध वाला जो बनेगा, तो उसको बाबू जो माइक्रोस्कोप से देखो ना तो उसके सॉलिड पार्टिकल दिखाई, मिल्क का पार्टिकल आपको दिखाई देगा, दिखाई देगा, मिल्क का पार्टिकल क्या दिखा, दिखाई देगा। अब बाबू जो सस्पेंशन तैयार करोगे ना तो उसका जो पार्टिकल है ये आपका क्या है, सस्पेंशन है, तो ये तो बाबू खुलल आंखे से दिखाई दे दिया, ये तो बाबू आपको खुलल आंखे से दिखाई, इसमें पार्टिकल बाबू आपको दिखाई देगा, दिखाई देगा है ना। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग क्या लिखेंगे सर, विजिबिलिटी, मतलब विजिबिलिटी मतलब बाबू विजिबल, 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 ठीक है, विजिबिलिटी मतलब क्या, विजिबल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखे शैतान विजिबिलिटी, समझ में आता है ना उसका कि नहीं बाबू? हाँ बाबू, तो मन तन से पढ़ना, ठीक है ना, इस तरह से बाबू आपको कहीं नहीं पढ़ाया जाएगा, कोई स्कूल में नहीं मेहनत किया जाता इतना, एक घंटा में आप लोगों को कितना बता देते हैं, अभी दो बार रही है गया सर, क्या करें बाबू, बहुत मजबूर है, मन करता है कि पढ़ाते रहे। विजिबिलिटी बाबू, विजिबिलिटी बाबू, विजिबिलिटी बाबू, कौन कौन भागा शैतान, नेक्स्ट बाबू फोर नंबर, फोर नंबर सर, तीन बातें चला गया, नहीं लिखवाइए, छोड़ दीजिए। अब बाप रे शिवानी कितना प्यार से बोलती है, लिखो चुपचाप जिसका छोटा छोटा, ठीक है ना, छोड़ दीजिए सर, शैतान कहे। विजिबिलिटी बाबू, विजिबिलिटी बाबू कितना प्यार से बोलती, छोड़ दीजिए सर, सॉलिड पार्टिकल क्या भाग, सॉलिड, सॉलिड पार्टिकल बाबू आर नॉट विजिबल, आर नॉट विजिबल बाबू, इवन अंडर माइक्रोस्कोप। तो इसमें तैयार रहिएगा शिवानी डंगा पिटाने के लिए, ठीक है ना सर, जब सारे प्रेयर कंप्लीट रहेगा तो क्यों पिटाएंगे, याद नहीं रहेगा इसलिए, खाली फेयर में लिखने से कुछ होगा बाबू, फेयर में लिख तो अच्छी बात है, तो ऐसा ऐसा बहुत सारा ही फेयर पड़ा हुआ अलमीरा पे बाबू है ना, उसको याद रखोगे तब ना तेज बनोगे बाबू, पार्टिकल के पार्टिकल कैन बी बाबू सीन, सीन बाबू थ्रू, थ्रू बाबू पावरफुल माइक्रोस्कोप, शिवम चल गया, शिवानी सर साइड आ दिए, टाइम से आप लोग आए बाबू, 5 मिनट और पीछे घस खाएंगे, कह देते हैं पहले बाबू, कितने बजे उठ रहे नारायण सर, 5 बजे उठ जाते, 5 बजे उठ जाता नारायण, हाँ सर चलो ठीक है, तो खुशी है बाबू हमारे लिए,
पांच मिनट घसकाएंगे, ज्यादा नहीं घसकाएंगे, अभी नहीं बाबू आपको का देंगे, अभी मैंने आपको नोटिस दे दिए हैं, क्योंकि बाबू हमको मैंने संतुष्टि नहीं मिल पाता पढ़ाने के लिए। पाटकिल बाबू आएगा तब ना बाबू, अभी आया नहीं ना बाबू पाटकिल बाबू आ चुका। अरे तो ठंडा रहा तो कहाँ जाना है, कहीं लंदन जाके पढ़ना है, बाहर निकलना है, कहीं जाना, उठना है रजाई के अंदर बैठ के पढ़ना है। तो तबीयत वाले जिना स्कूल का टाइम लेट हो गया, लेट हुआ तो हम अच्छा लेट हुआ तो हम उन लेट कर देंगे सर, इतना उठना पड़ता है जल्दी। यस सर, आप और पीछे पीछे कर पार्टिकल अबाउट जनरली विजुअल बाबू, पार्टिकल अबाउट जनरली विजुअल बाबू टू द नेक डाई। तो आपकी फ्रेंड कब से आ रही है शिवानी? सर आज जाकर बोलेंगे, कल संडे थे ना तो नहीं बोल पाए। बोलिए 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 जल्दी जल्दी बोलिए। अभी इसमें दो और रह गया, एक बाबू टिंडल इफेक्ट रह गया, एक बाबू क्या रह गया सोलुबिलिटी रह गया। दुगो और लिखाइए दे शैतान, खत्म हो जाएगा। कल लिखा है बाबू, लिखाइए देते हैं फिर समझा देंगे कल, ठीक है ना? नहीं तो फिर हमको हाँ बोलो ना, दुगो 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 थोड़ा सा दो मिनट पर वो बर्दाश्त करो ना, थोड़ा सा चॉकलेट देंगे। दुगो और बच रहा है ना, इसको हम समझा चुके हैं ऑलरेडी। सेटलिंग ऑफ बाबू पार्टिकल्स फाइव नंबर बाबू, SCTTLING, सेटलिंग ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है बाबू। पार्टिकल्स कहने का मतलब क्या सर? सोल्यूट वाला पार्टिकल। ठीक है जैसे था, चलो थोड़ा सा टॉफी देंगे, थोड़ा सा और पढ़ लो दो मिनट। सेटलिंग ऑफ पार्टिकल्स बाबू, पार्टिकल पार्टिकल्स बाबू डू नॉट सेटल, डू नॉट सेटल बाबू पार्टिकल्स बाबू। अनुष्का हो कि भाग गई? अनुष्का हटो तो देखने दो। अनुष्का बाबू नहीं है जी, टिकी हुई है जी। बा पार्टिकल्स बाबू डू नॉट बाबू सेटल, सेटल डाउन बाबू ऑन स्टैंडिंग, सेटल डाउन बाबू। ये सब वर्ड थोड़ा आप सीखो, ऑन स्टैंडिंग बताते हैं क्या मतलब है। यहां से बाबू इसमें लिखो, इट इज बाबू ऑल्सो डू नॉट सेटल, सेटल डाउन बाबू ऑन स्टैंडिंग, इट इज ऑल्सो बाबू डू नॉट सेटल बाबू ऑन स्टैंडिंग। इसमें लिखो शैतान, पार्टिकल ऑफ पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन बाबू आर सेटल डाउन, आर सेटल डाउन पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन बाबू आर सेटल डाउन बाबू ऑन स्टैंडिंग। स्टैंडिंग मतलब खड़ा रहना नहीं शैतान, ये बार फिफ्थ नंबर, फोर नंबर लिख लिया। विजुअलिटी तो बताइए दी बाबू, विजुअलिटी तो बता दिए है ना, समझा दिए हैं सर, हो गया सर, रहने दीजिए ना। एक बाबू लास्ट बाबू प्रकार ऐसे मत करो बाबू, पाप चढ़ेगा। कहाँ जाना है प्रकार, इतना रो रही हो, कहाँ जाना बताइए सर? स्क्रीनशॉट लेना था। हाँ शैतान बोलती ना बाबू, फोर नंबर नहीं लिखी थी, नहीं बोल रही हूँ सर। अच्छा तो आप तो बोल रही है सर कि अथी थोड़ा बंद कीजिए। अच्छा वीडियो देख लीजिएगा। सिक्स नंबर बाबू, टिंडल इफेक्ट,
ये बाबू डू नॉट स्कैटर्ड, डू नॉट स्कैटर ऑफ लाइट। दीपक समझ में आता बाबू? दीपक, ये दीपक सैतान। हाँ तो आके पीटेंगे। सो बाबू डज नॉट सो, सो बाबू डू नॉट सो टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट तो कल बताए थे बाबू, डबल एल कर देना। ये बाबू कोलाइड्स क्या करेंगे? टिंडल इफेक्ट शो करेंगे। शो टिंडल इफेक्ट। ये सब वर्ड आपको ध्यान रखना है। ये भी बाबू टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। हाँ सर, जो टिंडल इफेक्ट का ट्रू सॉल्यूशन वाला है उसमें लास्ट वर्ड क्या है? डू नॉट सो टिंडल इफेक्ट बाबू, डू नॉट स्कैटर ऑफ लाइट बाबू। सो बाबू, सो शैतान, डू नॉट सो टिंडल इफेक्ट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगा तभी टिंडल इफेक्ट शो करेगा। और स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता क्या चीज है? फिजिक्स में बता चुके हैं। अरे आपको इतना पढ़ा देंगे बाबू, इतना पढ़ा देंगे कि 9 10th वाला कोई स्टूडेंट रहे ना, 5 6 वाला से तो बातें नहीं करना, खाली उसको पढ़ाना है। इसको एक बार आप लोग रीडिंग मार लेना, कल हम इसको बता देंगे। फिर मेरा 2 लीटर पानी खत्म होगा और दूध बर्बाद होगा, नमक बर्बाद होगा, बादो बर्बाद होगा। इसके बाद बाबू आप लोग किशमिश वाला एक्सपेरिमेंट करके देखना। तो अभी जाना, एक गिलास वाटर लेना, उसमें किशमिश 2 पीस डाल देना, किशमिश स्वेलिंग हो जाएगा, फूल जाएगा। फिर शाम को क्या करना? सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार करना, नमक और बाबू पानी का, या सुपर सैचुरेटेड करना और उसमें वही फूला हुआ किशमिश फिर से डालना और देखना किशमिश पचकता कि नहीं पचकता, पचकता कि नहीं पचकता, है ना बाबू? तो वो बाबू हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक 3 गो सॉल्यूशन होता है। तो वो पढ़ने से पहले बाबू हमको थोड़ा सा कंसंट्रेशन बताना पड़ेगा। हर एक चीज इंटरलिंक होता है। जीवितेश टाइम पे आ जाओ बन बाबू, एक्सपेरिमेंट और एक बार बोल दीजिए। अरे एक्सपेरिमेंट क्या बाबू, 2 पीस किशमिश लो, अभी पानी में डाल दो नॉर्मल वाटर में। किशमिश आपका शाम तक स्वेल हो जाएगा, 1 घंटा में स्वेल हो जाएगा। फिर नमक चीनी का, नमक भलो क्या बोलते हैं, नमक चीनी बाबू, नमक पानी का घोल तैयार करो, साल्ट वाटर का, है ना? तो थोड़ा नमक ज्यादा लेना, ज्यादा अमाउंट में नमक लेना, सुपर सैचुरेटेड बना लेना, सुपर सैचुरेटेड हीट करके सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लेना, उसमें वही फुला हुआ किशमिश डालो। एक बार किशमिश फूलेगा दोबारा में किशमिश पचक जाएगा, ठीक है ना? तो क्यों होता है? तो हाइपोस्मोसिस, एक टर्म आएगा ऑस्मोसिस आएगा, है ना? ऑस्मोसिस आएगा, उसी में हाइपरटोनिक आएगा, इसोटोनिक पढ़ना। समझ में आता नारायण? हाँ सर। हाँ बाबू चलिए। शिवानी अच्छा से समझ में आ रहा है ना मंथन से बाबू? यस सर। केमिस्ट्री पढ़ने में मजा आ रहा है ना? यस सर। अभी और मजा आएगा, अभी केमिस्ट्री का मॉडल सब नहीं लाए तो बाबू ये ना सोल्यूशन है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसमें कार्बन आएगा, तो सब अभी और मजा। छोड़ दीजिए, अब नहीं बताएंगे इसको, इसको कल समझा देंगे, कल समझा देंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ने इसको कल समझा देंगे, आप लोग इसको लिख लो, एक बार आज वाला क्लास पढ़ लेना, इसको कल समझाते हैं हम आप लोगों को। ठीक है सर, बाय सर। ठीक है बाबू, बाय बाय बाबू। हाँ बोलिए शिवानी। अभी आप बोल रहे हैं।